नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोफेसर उरई। आज आप सभी लोगों को एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो यह डिवाइस किसी भी मोबाइल की बैटरी के परसेंटेज को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देगी। जी हाँ, सुनने में एक अचंभा सा लगता है, लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो आपके मोबाइल की बैटरी के परसेंटेज को दूसरे मोबाइल की बैटरी के परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि देखा जाता है, जैसे कि हम किसी से परसेंटेज पे पैसा लेते ना, तो ठीक इसी प्रकार ये एक ऐसी डिवाइस है। आप देखा, छोटी सी डिवाइस है। इस डिवाइस को देखने में ऐसा लगता है कि इसकी कार शैली कितनी अच्छी है, लेकिन जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। यह डिवाइस एक ऐसे कार्य करती है कि जो आपके मोबाइल की बैटरी को, यानी मोबाइल की परसेंटेज को किसी भी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देगी। यानी कि अगर इस सफ़र में, सोचो, यदि सफ़र में आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज करने का कोई भी सोर्स ना हो, अगर यानी आपके पास पावर बैंक भी ना हो, आपके साथ कोई सेफ आर्टी छः रनिंग हम सफ़र आपके साथ का हो, या अदरवाइज कोई भी हो, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। यानी यथायात अचानक तुम्हारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, माना कि सपोर्ट इसे हम सफ़र में जा रहे हैं और आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और हमें इमरजेंसी कोई घर पे कॉल करनी है, तो आप क्या करते, इंतज़ार करेंगे? आपके पास पावर बैंक नहीं, बस में, मान लो आजकल लेटेस्ट जो बसें हैं उसमें है, माना कि सपोज अगर बस में चार्जिंग की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इंतज़ार ही करेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे, नेक्स्ट बस स्टॉप पे, जब भी हम रुकेंगे मोबाइल चार्ज करेंगे तब हम बात कर लेंगे। लेकिन जी हाँ, मेरे घोर परिश्रम से, यानी कि मेरे घोर परिश्रम से मैंने इस प्रकार की डिवाइस को तैयार किया है जो किसी भी मोबाइल की बैटरी के परसेंटेज को दूसरे मोबाइल में आसानी से ट्रांसफ़र कर देगी। जी हाँ, ये आप डिवाइस देख रहे हैं, इसका उपयोग करने का एक छोटा सा फार्मूला है। आजकल के जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, लगभग 100% सभी मोबाइलों में OTG का एक फंक्शन होता है। जी हाँ, OTG का एक फंक्शन होता है। ये आप OTG देख रहे हैं, OTG का एक फंक्शन होता है। सेट को हम ऑन करेंगे, OTG को अगर ऑफ मोड में हो तो ऑन मोड में कर देंगे, और यहाँ पर हम जैसे कि इसकी परसेंटेज हम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करने है, दिया समझो, तो इसमें जो फंक्शन होता है OTG, उसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में ऐसे इसको लगा देंगे, और ये जो आप चार्जिंग पॉइंट देख रहे हो, चार्जिंग हब देख रहे हो, ये किसी दूसरे मोबाइल में इसको लगा देंगे और वो आपका चार्ज होने लगेगा। जी हाँ, 101% चार्ज होने लगेगा। आप इसकी परसेंटेज देखिए, यदि ये आपका 100% है, तो माना कि आपको 10% उसमें ट्रांसफ़र करनी है, तो आप 10% पर इसको हटा दीजिए और 10% उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, आज क्या है कि इस डिवाइस को मैंने आज ही मॉडिफाई किया है। जी हाँ, अभी एमसील लगी हुई है इसमें, कच्ची है ये, तो पकी नहीं हुई एमसील। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में आपको नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट डे में 100% प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। इसका आउटलाइन जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी। अब छोटा सा प्रोसेस है, किसी भी मोबाइल में OTG का फंक्शन होता है, उसको ऑन करिए, OTG लगाइए, इसके साथ में आपका USB जो चार्जर का जैसे लगता है आजकल, तो इसमें आप लगा दीजिए ऐसे, और इसको यहाँ लगाइए, और इसको किसी दूसरे मोबाइल में लगा दीजिए, और आपका मोबाइल चार्ज होने लगेगा। लाख कोशिश करने के बाद में यदि कोई सोचे कि हम जनरली सिर्फ डाटा केबल लगाकर, यानी कि OTG लगा दें और डाटा केबल लगा दें, और डाटा केबल लगाने के बाद में इसको हम लगा दें दूसरे मोबाइल में, लाख कोशिश करने के बाद में मोबाइल परसेंटेज की तो बात बहुत दूर की है, मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, चार्जिंग प्रोटेक्शन में कभी नहीं जाएगा। ये जो छोटी सी डिवाइस आप देख रहे हो, जी हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये छोटी सी जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इसको पूर्ण रूप से बनाने का फुल फार्मूला हम आपको रिटर्न, यानी कि कागज़ पर पूरी सर्किट के डायग्राम के द्वारा आपको पूरा बताएंगे और बनाएंगे। कल हम आपको
ये पूरा इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे, और हो सकता है तो कल ही हम पूरा डायग्राम बनाकर आपको पूरी सर्किट बताएंगे। इसके अंदर जो पार्ट्स लगा हुआ है, मात्र इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और वो जनरली तौर पर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और इसकी कोई बहुत कीमत भी नहीं है। मात्र इस जो आप कवर्ड देख रहे हैं, MCL से जो कवर्ड किया गया है, इसके अंदर मात्र 3 पार्ट्स लगे हुए, वो जनरल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनकी कोई विशेष कीमत मात्र 20 या 25 रुपए के कंपोनेंट्स में लगे हुए, बट उन कंपोनेंट को अटैच कैसे किया जा रहा है, या इन कंपोनेंट को अटैच कैसे किया जा रहा है, जो क्योंकि आपने जानते हो, आप लोग जानते हो, इसके अंदर जो बैटरी होती 3.7 वोल्ट की होती, जी हाँ 3.7 वोल्ट की होती है, होती ना, क्योंकि हम इसको चार्जिंग 5 वोल्ट देते हैं, लेकिन सर्किट यानी जो चार्जिंग कंट्रोल सर्किट होती है वो क्या करती है, बैटरी के लिए 3.4 वोल्ट का करंट देती है, और हमारी ये बैटरी चार्ज होने लगती है। यहाँ जब ये बैटरी चार्ज होने लगती है, हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता। अब आप सोचिए कि किसी भी मोबाइल को चार्ज करने के कम से कम मैक्सिमम 5 वोल्ट, आधा एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, यहाँ तक कि 2 एम्पियर का प्रोटेक्ट चार्जिंग करंट देना होता है, तभी मोबाइल चार्ज होता है। तो ये क्या करती है डिवाइस, ये डिवाइस क्या करती है, 3.7 वोल्ट के करंट को लेके, यानी कि 3.7 वोल्ट के करंट को लेके हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करती है। यानी इस जो लीड देख रहे हो, जो मोबाइल में दूसरे में लगाते हैं, इस पर 5 वोल्ट कन्फर्म परफेक्ट 5 वोल्ट का करंट इसमें मिलता है, तभी हमारा मोबाइल चार्ज होता। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं मिनी इन्वर्टर, यानी मिनी इन्वर्टर कैसे 3.7 × कन्वर्ट 5 वोल्ट DC वोल्टेज। ओके, तो ये मिनी कन्वर्टर है, इसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 100% आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही नेसेसरी और कंपल्सरी चीज़ है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हमें कल आपको पक्का अपनी दूसरी वीडियो में ये आपको यूज बताएंगे, इसका पूरा डायग्राम रिटन यानी कागज पर पूरा लिख के आपको बताएंगे और समझाएंगे। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर, गुड नाइट, नमस्कार।